उदयपुर वाटी वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, एक गिरफ्तार। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर वाटी के साकंबरी कोट की पहाड़ियों में वन विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वन विभाग के फॉरेस्टर रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ अवैध रूप से चेजा पत्थर चोरी कर परिवहन करने के दो मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। वहीं आरोपी के खिलाफ अब तीसरा मुकदमा भी दर्ज हो गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मौके से पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं थाने में खड़ा करवा दिया गया है। रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध रूप से चेजा पत्थर परिवहन करने वाले आरोपी सीताराम पुत्र बोधुराम कस्बा उदयपुर वाटी वार्ड नंबर 11 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पिछले काफी समय से चोरी छिपे वन विभाग की भूमि से अवैध रूप से पत्थर निकालकर परिवहन कर रहा था। वहीं वन विभाग की कार्रवाई के दौरान एक बार माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पत्थरों से भरे हुए जब्त कर ट्रैक्टर को थाने में खड़ा करवा दिया। वहीं आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो हमने जुई गश्त के दौरान निकाला तो सीताराम सैनी है, इसका ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरी हुई थी और उसको जब्त किया है। और इसने ट्रैक्टर को किसी घर में अंदर घुसा दिया है, क्रेन ले जाके ट्रैक्टर लाया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है सीताराम को। और ट्रैक्टर ट्रॉली अभी क्रेन से ला के थाने के अंदर खड़ी की जाएगी। ये अवैध खनन हो रहा है। ये मैं रघुवीर सिंह फॉरेस्टर, मेरे नेतृत्व में कार्रवाई कर रही है और ये वन क्षेत्र से पत्थर भर के ला रहा था कोट वन क्षेत्र से। टीम में कौन कौन शामिल थे, कितने लोग आपकी टीम में शामिल थे, किस तरह की आज ये कार्रवाई की गई है? टीम में 7 आदमी है, फॉरेस्टर नरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार मून फॉरेस्टर और सहायक वनपाल राम राजकुमार मीणा और वन रक्षक सुरेश कुमार धनकट, ये आदि। आपकी क्या ये पहली कार्रवाई है, और भी ऐसी कार्रवाई? अभी धरपकड़ ये कंटिन्यू रहेगी और जो भी अगर अवैध कदम जो लिप्त पाया जाएगा उसके साथ कार्रवाई यही होगी। और ये सोशल मीडिया की वजह से कर रहा है, सोशल मीडिया ने जगाया हुआ है। और अभी कोई भी आदमी अवैध खनन में जो लिप्त पाया जाएगा उसको कोर्ट में जब्त किया जाएगा।